गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं डाइनोफाइल की। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द डाइनोफाइल। तो अब इसमें क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो द डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन जो होती है वो हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर सिस इन द डाइनोफाइल रिमेन सिस इन द प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर ट्रांस इन द डाइनोफाइल रिमेन ट्रांस इन द प्रोडक्ट। अगर हमारी डाइनोफाइल में कोई जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, कोई ग्रुप लगा हुआ, अगर वो सिस में लगा हुआ है तो वो प्रोडक्ट में सिस ही बनेगा, और अगर ट्रांस में लगा हुआ है तो वो ट्रांस ही बनेगा। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गई हमारी डाइन। अब ये हमारा डाइनोफाइल है। अब इससे लगा हुआ यहाँ पर कोई ग्रुप है, जैसे सी ओ ओ सी एच थ्री हम ले लेते हैं, और यहाँ पर भी सी ओ ओ सी ओ ओ सी एच थ्री, और इस अंदर की साइड हम लोग लिखते हैं एच। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा उसे हमें देखना है ना। तो बांड कैसे रोटेट होगा, ये इधर चला जाएगा, ये बांड इधर मूव हो जाएगा, ये बांड इधर मूव हो जाएगा, तो बनेगी एक सिक्स मेंबर रिंग। ये सिक्स मेंबर रिंग बन गई हमारी। अब इसके बाद ये सी ओ सी ओ ओ सी एस थ्री है ये, और ये भी है सी ओ सी एस थ्री। ये डाइनोफाइल की बाहर की साइड है, और ये जो है ये दोनों एच जो वो अंदर की साइड है। अब जो दोनों बाहर की साइड है ना वो ऊपर की साइड आ जाएगा हमारा, यानी कि बाहर की साइड है जो जो है वो हमारा वेज बांड के थ्रू हम उसे ऊपर की साइड दिखाएंगे, और जो हमारा अंदर की साइड होगा उसे हम डॉटेड बांड से नीचे की साइड दिखाएंगे। अब अंदर की साइड हमारा दोनों एच है, तो एच नीचे की साइड हो जाएगा, यहाँ पर भी एच नीचे हो जाएगा। अब सी ओ सी एच थ्री दोनों बाहर की साइड हैं, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे यहाँ पर। और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर अब हम एक को अंदर कर लें तब क्या होगा, जैसे कि ये हमारा, और यहाँ पर लगा है सी ओ ओ सी एच थ्री, और फिर बाहर ग्रुप लग गए एक एच। अब जो दूसरा वाला ये ग्रुप है इसको हम अगर अंदर करके देखें तब हमारी क्या होगी स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पर लगा दें हम सी ओ ओ सी एच थ्री, और यहाँ पर यह सी ऐसे ही रहे, तो अब हमारी क्या रिएक्शन होगी, तो बनेगा सिक्स मेंबर रिंग ऐसे ही बनेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और वेज बॉन्ड के थ्रू जो हमारा पहले बॉन्ड बना ले हम, तो बाकी साइड हमारा क्या क्या है, सी ओ ओ सी एस थ्री है और एक एच है, तो हमारा इसमें हो जाएगा सी ओ ओ सी एस थ्री और एक एच, ये दोनों बाकी साइड है, तो ये ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों अंदर साइड क्या है, एक एच है एक सी एस थ्री, सी ओ ओ सी एस थ्री सी ओ ओ, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसे ही होगी। जो हमारा डाइनोफाइल के बाहर साइड होगा वो आ जाएगा हमारा वेज बांड के थ्रू ऊपर की साइड, और जो हमारा डाइनोफाइल में अंदर की साइड होगा वो वेज बांड के थ्रू जाएगा नीचे की साइड। तो अगर हम इसको भी अगर इधर कर लेंगे तब क्या होगा हमारे पास, ये यहां पर एच, यहां पर भी एच सी ओ ओ सी एच थ्री, यहां पर भी सी ओ ओ, तो जो हमारा दोनों सी ओ ओ सी एच थ्री था ये एक ऊपर था, पहले दोनों में ऊपर था, दोनों में बाहर था, तो दोनों में ऊपर, एक में अंदर गया तो एक में नीचे चला गया। अब दोनों में अंदर गया है तो दोनों में हम नीचे की साइड दिखा देंगे यहां पर। यहां हो जाएगा हमारा एच, यहां भी हो जाएगा एच, इससे हम दिखा देंगे सी ओ सी एच थ्री, और यहां पर भी हमारा वही आएगा सी ओ ओ सी एच थ्री। तो ये हो गया हमारा डाइनोफाइल का डाइनोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई है। अब हम देखते हैं कि डाइनोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, डाइनोफाइल की होगी, अब हम देखते हैं डाइन की क्या होगी। तो अब देख लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द डाइन, डाइन की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो क्या है इसमें, टर्मिनल विनाइलिक कार्बन, जैसे कि वन एंड फोर ब्यूटाडाइन ऑफ एसिस या फिर स्ट्रांस डाइन कंटेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, वन इज
designated as outside group and other is designated as inside the group of the diene. जैसे कि diene में हमारी 1 और 4 butadiene जो है, butadiene की 1 और 4 position जो है उसमें दो substituent लगाए हों, एक हो हमारा outside group और दूसरा हो inside group. तो हमारा जैसे कि हमारी ये diene हो ये, तो इसमें आप कौन सा outside होगा, कौन सा इन ग्रुप के इनसाइड होगा, अंदर के होगा, तो उसे हमें देखना है. तो अब हम उसे उसी को देख के समझ लेते हैं थोड़ा सा. तो अगर ये हमारी डाइन है, इससे ग्रुप ऊपर इस साइड लगा हो तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि यहाँ पर ये लगा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड. और अगर इन इनसाइड अंदर की साइड लगाना, तो ये अंदर की साइड इस तरह आएगा. और इस पर हम लगा लेते हैं कोई अल्किल ग्रुप आर, या अल्किल या एरिल ग्रुप आर लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड ग्रुप. ये वाला भी आउट हो जाएगा और ये दोनों जो हो जाएंगे वो इनसाइड, इनसाइड ग्रुप ऑफ द डाइन, इनसाइड ग्रुप. तो आउटसाइड जैसे कि ये डाइन हो गया, ये ऊपर की साइड होगा तो ये आउटसाइड, और ये नीचे की साइड होगा, ये दोनों बाहर की साइड, तो ये भी आउटसाइड, दोनों आउटसाइड में है. और ये जो दोनों अंदर के होंगे वो हो गए इनसाइड ग्रुप. अब हम ये हो गया हमारा आउटसाइड इनसाइड हो गया. अब हमें देखना है, जैसे कि मैंने तीन चीज़ यहाँ पे लिखी है, आउटसाइड इन आउट एंड इन सिस एंड ट्रांस और स्टीरियो केमिस्ट्री. ये हो गया हमारा, अब देखते हैं सिस एंड ट्रांस. तो जो आउटसाइड हमारा ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप होगा, ये दोनों हमेशा ट्रांस पोजिशन में होंगे. जैसे कि अगर हमारा कोई यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ हो और यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ हो, तो हम उसे कहेंगे इस पोजिशन से इस पोजिशन पर ट्रांस होगा. और इस पोजिशन पर जो अंदर की साइड है और ये वाला अंदर की साइड है, दोनों आपस में सिस होंगे. तो इस पोजीशन में सिस टू इच अदर, दोनों एक दूसरे के सिस टू इच अदर होंगे. और ये वाले में दोनों आपस में ट्रांस टू इच अदर. अब इसको हमें अगर देखना हो कि ये सिस है कि ये ट्रांस है, तो उसको हम देखेंगे जैसे कि इस एच से और आर से. तो हमें आर के रिस्पेक्ट में देखना है कि ये सिस है कि ट्रांस है. तो अभी हमें यहाँ पर देखना है कि सिस सिस डाइन, सिस ट्रांस डाइन और ट्रांस ट्रांस डाइन, तीन तरह के होते हैं हमारे. तो ये दोनों आर ग्रुप जो हमारा अंदर की साइड है, ये आर भी अंदर है और ये वाला आर भी अंदर है. तो दोनों आर अंदर है, ये दोनों आपस में सिस टू इच अदर होते हैं. तो इस आर के लिए सिस और इस आर के लिए सिस, तो इसे कहते हैं सिस सिस डाइन. अगर अब हम इसको इतना सेम रखें, इसको उलट दें, आर को इधर कर दें और इसको इधर कर दें, इस आर को ट्रांस वाले पोजीशन पे लाएं, तब हमारा क्या होगा उसको हम देखते हैं. ये हमारा एच ये आर, और इस पोजीशन को हम बदल लें, आर को एच को इधर कर दें और आर को इधर. तो इसमें क्या होगा, ये तो सिस वाली पोजीशन पर है और ये ट्रांस वाली पोजीशन पर है. तो इसमें हम R के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, H को हम नहीं देख रहे हैं. H जो हमारा R जो हमारा उससे थोड़ा सा हैवी है, इसलिए हम R को मान के चल रहे हैं. तो R जो हमारा एक सिस पर है और दूसरा ट्रांस वाले पर है, तो ये हो जाएगा हमारा सिस ट्रांस डाइन. अब इसमें एक और अभी बचता है, इसको अब पलट दिया, अब इसको भी अदल बदल कर दें हम. ऊपर हम लगा दें आर, इधर साइड एच, इधर एच पहले से, इधर आर. तो ये वाला भी हमारा ट्रांस पोजीशन पर और ये वाला भी आर भी ट्रांस पोजीशन पर. तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांस ट्रांस डाइन, ट्रांस ट्रांस डाइन. हाँ, अब स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं. तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, जैसे कि ये हमारा ग्रुप है, ये एच जो ऊपर की साइड है हमारा ये वाला, ये हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम इसकी दिखाएंगे ना, तो ये हमेशा नीचे की साइड जाएगा. ये वाला जो ग्रुप है हमेशा बिलो द प्लेन, जैसे कि हमें इस तरह से दिखाकर हम इसे यहाँ पर एच दिखाएंगे, और ये जो अंदर की साइड वाला है इसे हम अबव द प्लेन इस बाण के थ्रू दिखाएंगे. अभी हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, एच नीचे जाएगा और ऊपर आएगा, और ऊपर जाएगा एच नीचे, इस तरह इसमें हो जाएगा. जो ट्रांस वाली पोजिशन पर होगा, ऊपर की साइड होगा, वो बिलो द प्लेन जाएगा, और जो सिस वाली पोजीशन पर होगा वो एबव द प्लेन आएगा. इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं.
अब देख लेते हैं एग्जांपल। सबसे पहले सिसिडाइन का देखते हैं, ये एच। अगर इसके साथ कोई हमारे डाइनोफाइल हो ट्रिपल बॉन्ड में और यहाँ पर हो सी ओ सी एच थ्री, सी ओ ओ सी एच थ्री, तो सिक्स मेंबर ड्रिंक बनेगी। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड जो होगा वो इधर ही साइड मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला इधर। तो अब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले से ही है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है इसकी अब इस पोजीशन पर, यानी कि इस वाली पोजीशन पर ना। और ये दोनों देखिए, ना तो ये अंदर की साइड, ना तो ये बाहर की साइड है, ना तो अंदर की साइड, ये एक सर ये प्लेन में है। तो ये इसको हम पहले ऐसे बना दें सी ओ सी एस थ्री को, ये वाला भी ऐसा हो जाएगा सी ओ सी एस थ्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है इसकी इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर। तो ये जो है वो नीचे की साइड जाएगा और यहाँ वाला जो आर है वो अबव द प्लेन, आर यहाँ पर, यस यहाँ पर, और आर यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हमारी ये थी सिस सिस डाइन ना, सिस सिस डाइन। तो अभी हम सिस ट्रांस लें तब क्या होगी, यहाँ पर एच, ये आर, तो यहाँ पर क्या कर दें एच कर दें और यहाँ पर आर, डाइनोफाइल हमारा वही रहे, क्या हो जाएगा हमारा सी ओ ओ सी एस थ्री, यहाँ पर भी हो जाएगा सी ओ ओ सी एस थ्री, क्या हो जाएगा बॉन्ड वैसे ही मूव होगा, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी, डबल वन यहाँ पर, एक डबल वन यहाँ पर, वैसे ही सब होगा। बस स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डबल वन यहाँ पर, डबल वन यहाँ पर, ये सी ओ सी एस थ्री ऐसे ही रहेगा, सी ओ सी एस थ्री यहाँ पर। हाँ, अब ये वाली स्टीरियो केमिस्ट्री वैसे ही रहेगी, ऊपर क्या है हमारा एच और अंदर की साइड क्या है आर, तो ऊपर वाला जो होता है वो हमारा जाता है नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा एच, अंदर है हमारा आर, तो हो जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ पर अंदर एच है, यानी कि ऊपर जो हमारा आएगा वो एच आएगा। और ट्रांस वाली पोजीशन पर, यानी इस पोजीशन पर जो आर है, तो इस वाली पोजीशन में हमारा जाता है बिलो द प्लेन, ये हो गया। अभी हम ये हो गया हमारा सिस ट्रांस ना। अब हम दोनों को ट्रांस ट्रांस कर लें, अगर इस पोजीशन पर एच, इस पोजीशन पर आर, यहां पर एच, यहां पर आर है और यहां पर एच कर लें, डायनोफाइल हमारा सेम रहे, सी ओ सी एच थ्री, सी ओ सी एच थ्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना तो हमारा सेम रहेगा, ये वाला भी प्लेन पर रहेगा, सी ओ सी एस थ्री, सी ओ ओ सी एस थ्री, तो अब हमारा ये आर ऊपर की साइड है, ये आर जो दोनों आपस में ट्रांस है, ये दोनों जाएंगे बिलो द प्लेन और ये जो हो जाएगा हमारा अबव द प्लेन हो जाएगा। ये हो गया एग्जांपल, हो गया कुछ हमारा ट्रांस डाइन का, सिस सिस डाइन हो गया, सिस ट्रांस हो गया और ये ट्रांस ट्रांस है ना, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, सिस सिस हो गया, सिस ट्रांस हो गया, ट्रांस ट्रांस ना, सभी एग्जांपल हो गए। ये हो गया हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। अब हम देख लेते हैं कुछ जैसे कि एक्सो इंडो का, हम देख लेते हैं इसके बाद। तो अब देख लेते हैं इंडो एंड एक्सो स्टीरियो केमिस्ट्री। तो एंडो एंड एक्सो जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो ज़्यादातर हमें यही साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी। तो अब इसको समझना, सबसे पहले ये जो हमारी देखिए पहले क्या है, वन टू थ्री और ये फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स मेंबर रिंग है और इस पर लगा हुआ ये एक ब्रिज कार्बन ऐसे, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज कार्बन। और ये इस वाली पोजिशन को बोलते हैं हम कॉनकेव साइड ऑफ बाईसाइक्लिक रिंग।
और ये वाली जो हमारी इस लाइन को हम बोलते हैं कैविटी ऑन दी कॉनकेव साइड। तो अभी हम इसी से कुछ, ये इनका नाम है, अभी इसी से हम देखना है कि एंडो कब होगा, एक्सो कब होगा। तो ये जो ब्रिज कार्बन है और ये वाला जो हमारा कोई हमारा प्रोडक्ट बनेगा और ये हम नीचे की साइड इस तरह से दिखाएंगे, तो ये एक दूसरे में क्या होंगे, आपस में ट्रांस। ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, तो ये आपस में क्या होंगे, ट्रांस। जब ये आपस में ट्रांस होंगे तो यहां पर बनेगा हमारा प्रोडक्ट जो होगा उसे हम कहेंगे एंडो। एक एक ट्रांस हम देखेंगे इस ब्रिज कार्बन से, इसको देखेंगे हम ट्रांस है। जब ये दोनों आपस में ट्रांस होंगे तो हमारा ओरिएंटेशन क्या होगा, एंडो। एंडो इसको, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे एंडो। और एक और तरीका है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इस कैविटी वाले पे, इसको मैंने बताया ना कैविटी ऑन द कॉनकेव साइड, तो इस कैविटी वाले पे पॉइंट की तरफ पॉइंटिंग कर रहा है, ये इसकी तरफ ही है ना, तो इससे रिलेटेड ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये दोनों आपस में पास है। और ये जो CO3 है ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है यहाँ पर ऐसे, तो ये भी यहाँ पर प्रोडक्ट है, इससे भी हमारा क्या हो जाएगा एंडो, ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा, कैविटी की तरफ पॉइंट करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से उसे हम कहेंगे एंडो प्रोडक्ट। अब ये जब ये दोनों, ये वाला पोजीशन और ये वाली पोजीशन देखिए, अब ये नीचे के साइड से तो ट्रांस हो गया, ये ऊपर साइड गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिस होंगे। और जब ये सिस होंगे तो प्रोडक्ट हमारा ये वाला हो जाएगा एक्सो, ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एक्सो। अब ये कैविटी से पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दी, दूर है ना, इससे इस कैविटी वाले पॉइंट से ये दूर है, और इसीलिए हमारा ये हो जाएगा एक्सो। तो अब ये हो गया हमारा एंडो और एक्सो। अब बात करें कि एक्सो हमारा प्रोडक्ट जैसे कि ज़्यादा बनेगा या फिर एंडो वाला, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था कि ये एक्सो है, इस पॉइंट से ये काफ़ी बड़ा ग्रुप जो है हमारा CO CH3, ये स्टेरिक रीजन से ये इससे दूर है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बनेगा, ये एक्सपेक्टेड था। हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो था मेजर ये वाला बने, ये वाला जो एक्सो वाला जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो एंडो वाला होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमारा एंडो वाला मेजर बनता है और एक्सो वाला माइनर। तो हमें एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हो जाएगा CO CH3, क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करें और ये वाला बॉन्ड इस साइड इसके नीचे यहाँ पर, और ये वाला घूम जाए इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 2 3, ये 4, और नया बॉन्ड बनेगा ये 5, और ये बनेगा 6, और ये ब्रिज की तरह हो जाएगा। पहले हम इसको इसी तरह से बना लें, पहले जैसे कि हमारे पहले था ऐसे बना ली इसे, फिर ये हमारा नया बॉन्ड जो बन रहा है इस तरह से, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 6, इस 6 को हम 6 मेंबर रिंग को दिखाएंगे ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट ऐसे नीचे की साइड आ रहा है इसको हम ऐसे ऊपर की साइड दिखाएंगे, और ये वाला जो ऐसे नीचे था इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, और ये जो ये वाला ऐसे है इस पॉइंट से तो इसको हम ऊपर की साइड यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर है तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ये हो जाएगा इस तरह से। तो अभी हमारा ये बचा हुआ है ना CO CH3, तो हमारा इसमें कहाँ आ जाएगा CO CH3, एक हम ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है इसको। आप यहाँ पर देखिए एक एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंडो वाला, और दूसरा वाला जब हम बनाएंगे यहाँ पर हो जाएगा CO CH3, और ये अच्छा दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट एंडो, और ये वाला हो जाएगा एक्सो। ये वाला बनता है 86% मेजर प्रोडक्ट, और ये बनता है 14%। तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो एंडो प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा ज़्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो हमारा एक्सो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा। Oh,